Good morning everyone, how are you all? I hope you all are good. So nice. So today we will learn subject English chapter 1 and our topic is sound of A. Aapki book exercise mein diya hua hai. Dekhiye, open your book, page number 8. Page number 8 sabhi open karenge. This one. इसमें देखिए आपकी क्या दिया हुआ है साउंड ऑफ ए कि साउंड ऑफ ए ए की जो साउंड होती है तो उन वर्ड्स को हम कैसे रीड करते हैं और किस किस टाइप की होती है. तो अ वॉवल हैज टू साउंड्स. वॉवल की कितनी साउंड्स होती है? टू. जितने भी वॉवल्स होते हैं हमारे इनकी टू साउंड्स होती है, लॉन्ग एंड शॉर्ट. एक ऐसी साउंड होती है जिसको जब हम बोलते हैं तो उसको थोड़ा लंबा बोला जाता है, लॉन्ग. और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें वॉवल्स होते हैं और उनको हम बहुत ही शॉर्ट जल्दी से बोल देते हैं. किसी को थोड़ा लंबा बोलना पड़ता है, किसी को बहुत जल्दी बोल देते हैं. क्लियर? तो लॉन्ग शॉर्ट कौन शॉर्ट ए साउंड कौन कौन से हैं देखिए. कैट, ऐप, सेट. तो इसमें जो ए की साउंड आई है आपकी अ की, ए की, वो क्या है? बहुत ही जल्दी बोली गई. कैट, कैट बोल के देखिए. कैट बोल रहे हो तो इसमें ए की साउंड कैट बहुत ही जल्दी बोली गई है, समझ भी नहीं आ रहा बीच में अ आया या नहीं, है ना. कैट, ऐप, है ना, जल्दी बोली गई. से, अब इसमें स व की साउंड आ रही है से. अब बीच में जो ए है उसकी बहुत ही शॉर्ट साउंड आ रही है, बहुत ही हल्की सी से. अब ऐसे ही लॉन्ग ए साउंड वर्ड्स फेड, फेड, है ना. तो इसमें ए कैसी आ रही है? ए की साउंड, अ की साउंड थोड़ी लंबी बोलना पड़ रहा है इसमें, थोड़ा सा इसमें अपनी एनर्जी लगानी पड़ रही है. फेक, मेन, केक. अब आप केक तो नहीं बोल सकते ना, केक. तो उसमें थोड़ा लंबा और थोड़ा सा हमें अपनी एनर्जी लगानी पड़ रही है ना. केक, फेक, मेन, है ना. तो उसमें क्या हो रहा है? ए की साउंड जो है उसको थोड़ा सा लंबा बोलना जा रहा है, उसमें थोड़ी सी हमारी एनर्जी लग रही है. लेकिन जो शॉर्ट ए साउंड होते हैं उनमें क्या होता है? ए की साउंड बहुत ही जल्दी से बोली जाती है, जो कि हम जल्दी से हमें समझ भी नहीं आता कि उसमें ए की साउंड बोली भी गई है या नहीं, लेकिन उसमें आती है, बट वो बहुत ही फटाफट जल्दी से बोला जाता है. कैट, बैट, रैट, है ना, फैट, ए, सेव. तो ये क्या है? शॉर्ट ए साउंड जो थोड़ा जल्दी बोले जाते हैं. और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको ए साउंड में हमें जिनको थोड़ा सा लंबा बोलना पड़ता है. फेड, केक, ठीक है ना, फेड, केक. समझ आया आपको? शॉर्ट ए साउंड, लॉन्ग ए साउंड वर्ड्स. क्लियर? तो आपको देखिए आपकी बुक में यहाँ पे बुक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. रीड द वर्ड्स देन राइट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस. इन वर्ड्स को रीड करना है. देन यहाँ पे कौन से वर्ड्स आपके शॉर्ट ए साउंड के हैं और कौन से वर्ड्स आपके लॉन्ग ए साउंड वर्ड्स के हैं, तो इनको आपको फिल करना है और नीचे वाला भी क्वेश्चन आपको फिलअप करना है, इसी से रिलेटेड है. ठीक है? तो जब भी आप इसमें वर्ड्स राइट करोगे बॉक्सेस में, तो पहले आप उनको बोल के देखोगे कि वो जल्दी बोले जा रहे हैं या उनकी उनमें आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, वो लॉन्ग बोले जा रहे हैं. क्लियर? आई होप आप सबको समझ आ गया है. तो ये आपको अच्छे से रीड भी करनी है. ठीक है? इसका जो देखिए यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन दी हुई है, अ वोवल्स हैव टू साउंड्स लॉन्ग एंड शॉर्ट. तो ये आपको रीड भी करनी है, इसको समझना भी है. देन लॉन्ग और शॉर्ट के कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड्स आपको ये बुक से रीड करके बुक एक्सरसाइज में फिल करने, कुछ आप अपनी रफ नोटबुक में भी राइट करना. क्लियर? बाय बाय.